फिर से आ गई दोस्तों एक नई वीडियो लेकर के और मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में ना दिखा करके YouTube ने अपनी औकात दिखा दी। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ फनी मीम्स जिसको देख के बड़ा मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट एंटरटेन टुगेदर। अब देख तू भाई ये बंदा बहुत फेमस हो रहा है भाई Instagram पे। जनरली शेयर नहीं कर करके पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है वीडियो का। सभी बहन और भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, तुम्हारा भाई मेहनत बहुत कर रहा हो और भाई फॉलो कर लो और देखो वीडियो बना ले और नुकसान भी कम ना कर रहा। और सुन शेर कपड़े मतलब सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि मैं अपने कपड़े फाड़ के मेहनत कर रहा हूँ। ये कोई बात होती है यार भाई साहब? मतलब मैंने पूरी प्रोफाइल देखी, पूरी प्रोफाइल पे जाकर के कपड़े फाड़ रहा है और बस शेर बोल दे रहा है बंदा और एक कमेंट किया फांसी लगा ले से। भाई इतना भी मत बोल यार, इंडिया गेट के ऊपर चढ़ के शेर कपड़ा नहीं पहनता, मेहनत कर कहाँ रहा है भाई ये तो बता। यार हद है भाई, हद है बंदा भाई। इसके पूरे वीडियो में यही है शेर भाई। रील में पता नहीं क्यों रिकमेंड कर रहा है इंस्टाग्राम मुझे इसकी वीडियो। भाई हद है यार, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। ये देखो अब, ये देखो तुम दिल्ली शहर का लूट लिया, हंसे हंसे बोले से प्यार की कटारी मारा काल जेल छोले से। भाई जबरदस्ती इसका डांस निकल रहा है, तुम देख रहे हो जबरदस्ती बेचारी नाच रही है। शेरनी शेर कितने पैसे लिए बहनों ये बोलने के? वही जबरदस्ती भाई साहब 100 रुपए दे करके लाया सबको कि तुम्हें ना वीडियो में ना मैं शेर बोलूंगा, तुम्हें शेर नहीं बोलूंगा। कोई भी नहीं है मेरे टक्कर की, ये इसकी बंदी है जो शेर नहीं बोला करती है। भैंस की आंख, ये मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इनको फॉलो कर लो। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं शेर नहीं बोलने में, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स तो बेकार ही है भाई इंस्टाग्राम पे, इन्हें फॉलो करो। मुझे तो भाई पूरी सुपरस्टार का सस्ता कॉपी लगता है भाई। धन्यवाद। ये देखो एक और, अरे हमारे शेर को आगरा से नहीं पूरे यूपी से सपोर्ट है। अच्छा कितने खुश है भाई, भाई वो शेर बोल गया, ये लोग पागल हो रहे हैं, भाई ने शेर बोल दिया, भाई भाई ने कौन है भाई जो फॉलो कर रहा है, कौन है भाई? भाई मेहनत कर रहा है आदमी तो भाई हम खुद फॉलो करेंगे आगे बढ़ करके, पर ऐसी हरकतों में कौन फॉलो कर रहा है, मैं तो ब्लॉक कर दूं। ऑल क्रिंज इन वन फ्रेम। मुझे इसकी पूरी प्रोफाइल समझ में नहीं आती और बहुत तगड़ी तरीके से फेमस हो रहा भी है इंस्टाग्राम पे, बहुत रीलें चल रही है इसके। शेरनी पक गई हूँ मैं सुन सुन करके। नेक्स्ट, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। और ये बंदा है, शरीर ही अलग अलग है, बाकी जिसम में ही है हमारा, हम अपनी वाइफ की अपने परिवार में। एक मिनट क्या बोला? हाँ। शरीर ही अलग अलग है, बाकी जिसम में ही हमारा, हम अपनी शरीर ही अलग अलग है बाकी जिसम में है हमारा, ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाई साहब भाई यार वाइफ की अपने परिवार में अपने मम्मी पापा किसी नहीं मानते ना, हम किसी बताते हम दोनों भाई कहाँ नहीं मानते हम अपने परिवार में। तो दुखी नहीं है क्या, हमारी सुनते नहीं हो आप ना? वो सब ठीक है भाई, तू इतना वेल रहा है क्या, इनका इंटरव्यू ले रहा है? सब पता है, माने ना आज माने कल माने। हम दो भाई ना है, पता नहीं क्या ही कर रखा है यार इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने, हल्ले काट रखे हैं। ये शेर नहीं करता, ये अलग ही कुछ चलता रहता है, भाई की शायरी खत्म नहीं होती, ऐसी ऊट पटक सी शायरी लेके आता। ब्रो डिडंट इवन थिंक। ओह क्या टेट, इसकी भैंस की आंख। नहीं 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 नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं। नहीं भाई मत लगा, पागल है क्या? अबे तेरा दिमाग ठीक है? तू थोड़ा सा है क्या भाई? बंदर भी इससे सुंदर दिखता है यार। भाई देखो अगर ये लिटरली जेन्युइनली इसने परमानेंट टैटू करवा दिया ना, पूरी जिंदगी रिग्रेट करेगा भैंस क्या, कोई जॉब नहीं देगा इस बंदे को, कितना गधा लग रहा है ना ये, इसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। और अगर वैसे मेरे ख्याल से टेम्पररी करवाया होगा भाई, वीडियो के लिए बनवा दिया होगा, लग तो असली ला है भाई।
लोग बड़े बावड़े हैं यार आजकल, कुछ भी करवा सकते हैं भाई कंटेंट के नाम पे। अब इसने चश्मा बनवा लिया, अब इसको रिमूव करवाने जाएगा तो अलग पैसा देगा भाई साहब। इसने कर भी दिया भाई, देखते हो आप क्या कर रहे हो आप ये हैं? अभी लड़कियों की छाती से नाम मिटवा करके दूसरे का नाम लिखो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, चश्मा बना रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कुछ सीख लो ब्लॉगिंग कैसे होती है भाई, सिखा यार, मुझे तो सख्त जरूरत है यार, मेरे को तो बहुत तो वो हेजिटेशन सी होती है ब्लॉगिंग करने में, मैं तो समझा ना बोलूँ क्या, मैं सिखा भाई। ये मैं हूँ। अच्छा भाई ठीक है, हाय। और ओ मैं, और रहा मेरा छेरी है? और उसको मैं चुरा रहा हूँ, चुराई हो रही है, चुराई हो रही है, चुराई हो रही है। ठीक है भाई, चुराई हो रही है तो चुराई करवा ले यार, ऐसी व्लॉग बनाऊंगी अब से मैं, समझ रहे हो तुम, मैं अपनी पे आ गई ना, अपनी पे आ गई अगर मैं तो, मैं अभी बकरी को ले जा सकती हूँ चरवाने के लिए, लेकिन बकरी चुरानी पड़ेगी किसी की। माई हाउस 5 मिनट्स बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप टुगेदर एज अ नॉर्मल फैमिली। भाई मैं लिख के दे सकती हूँ भाई, ये हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है भाई, मैं लिख के दे सकती हूँ। कहीं पे चलो, ट्रिप पे जा रहे हो, चाहे बाहर ही किसी की शादी में जा रहे हो, उससे 10 मिनट पहले अगर लड़ाई ना हुई ना घर में, तो भाई तुम्हारा घर ठीक नहीं है, अब नॉर्मल हो फिर तुम लोग, क्योंकि नॉर्मल लोगों के यहाँ होती है धूमगज्जड़ लड़ाई, जिसमें भाई बहन माँ बाप किसी की नहीं होती भाई, सब एक दूसरे को सुना रहे होते कुछ ना कुछ, कोई चुप नहीं होता भाई, सब सुना रहे होते हैं। और फिर जहाँ जा रहे होते ना, वहाँ पहुँच कर तो ऐसे रिएक्ट करते कि हम साथ साथ, हमारा जैसी फैमिली तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी, एक्टिंग के बादशाह हैं भाई हम। मेरे को तो मन करता जब मेरे घर वाले लड़ रहे हो मैं कैमरा निकाल दूँ, कम से कम कैमरे के खौफ से तो नहीं लड़ेंगे कि भाई ये तो ये डाल देगी, भाई ये वीडियो डाल देगी, यार लड़ो मत लड़ो। अभी मेरे देख रहे होंगे घर वाले वीडियो, छोड़ो दोस्तों आगे ज्यादा नहीं बोलते। बस हवा निकल गई। कहाँ से आई? मैं कराची से। पढ़ी लिखी लग रही? नहीं जी, आई हेलो। यहाँ तक कैसे पहुँची हो? ठुड्डे वगैरह खा के। कहाँ है घर वाले? घर वालों का आप लोग पता करवाएं सैटेलाइट के जरिए। और किधर है? है? और तो हर जगह ही होता है। बच्चों का बाप? नहीं वो फर्क करा दिया। ये दरबार के बाहर रोड पे कब से रह रही? अभी आए। कोई नशा करती है? हाँ, आइस पीते हैं, चर्स पीते हैं, अफीम भी खाते हैं, पाउडर भी पीते हैं, पर अपने पैसे चोरी करके डकैती करके यहाँ हम गायब नहीं करते। पैसे कहाँ से लेकर? मांग। कहाँ से आई? मैं कराची। पैसे कहाँ से लेके आती? मांग। भाई वहां पे वीडियो कट हो गई भाई, पैसे कहाँ से लाती हूँ? मांग। और कितने टेंशन में कहती चोरी डकैती करके नहीं अपने पैसों का पीते हैं, और पैसे कहाँ से लाती हूँ? मांग। एक से बढ़कर एक पीस है भाई धरती पे भैंस की, हाँ पीस खत्म ही नहीं हो रहे। से निकले खंजरों को जब आए होए होए, उतने ही निकले जितना अपनों को गले लगाए। आए हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, चल जा जा करके आप ट्यूशन को होमवर्क कर, हो गया कली बकेती, आ गया मजा, मिल गया दिल को ठंडक, खंजर निकाल लिए होंगे तब जाके पढ़ाई कर जा। पीठ से निकले खंजर, खंजर की स्पेलिंग आती है तेरे को? अबे साले, शेर चीता शेरनी जादू सारे पंछी हट जाइयो, या भी कड़क कौवा ही कह दे, या भी कौवा ही कह दे, शेर चीता शेरनी जादू। इन बच्चों के लिए हम पानी बचाएं? नहीं मुझे बता दो आज तुम, इनके लिए पानी बचाएं हम, इनके लिए बचाएं हम एनवायरमेंट को भाई? कुछ भी, कुछ भी, शेर चीता पंछी है ये, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मुझे माफ कर दें आप लोग, मुझे छुट्टी दे दें आप। ऐसे बच्चों को देख करके ना मन करता है कि इनका घर ढूंढ करके इनके माँ बाप को बोलूं कि लो नया लेदर का बेल्ट। Well, that is it today, guys. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई. Thank you so much for watching. And yes, don't forget to do like, share, subscribe. Please वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं कर रखा तो. राधे राधे.